हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम मटर का निमोना बनाने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हम सरसों का तेल लेंगे, उसके बाद एक कटोरी मटर, एक कटोरी मटर पिसा हुआ, प्याज, ये तीन छोटा साइज का प्याज है, इसको लंबे लंबे काट लिए हैं। यहाँ अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है, ये 3 से 4 चम्मच है। यहाँ पर छोटे साइज का आलू है और ये 8 से 10 आलू है, इसको हम बॉईल करके काट लिए हैं बीच से। यहाँ पर जीरा पाउडर है 1 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच, थोड़ा सा गरम मसाला है, इसको बाद में कूट कर डालेंगे। यहाँ गोटा जीरा है, यहाँ 3 तेज़पत्ता है और ये हल्दी है, और यहाँ हींग है और थोड़ा सा घी। तो चलिए बनाते हैं मटर का निमोना। सबसे पहले हम कढ़ाई में सरसों का तेल डालकर गरम करेंगे, इसके बाद हम इसमें हींग डालेंगे। इसके बाद हम इसमें जीरा डालेंगे, फिर इसमें हम कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को सुनहरा होने तक भूनेंगे, साथ ही इसमें हम तेज पत्ता डालेंगे। प्याज हमारा सुनहरा हो चुका है, तो इसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे, फिर इसमें जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर डालेंगे। इसको 1 मिनट भून लेने के बाद हरा मटर का पेस्ट डालकर भूनेंगे। हरा मटर के पेस्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से भूनना है, अगर ये थोड़ा सा भी कच्चा रह जाएगा तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसको भूनने में 3 से 4 मिनट लग ही जाते हैं। इसके बाद हम इसमें मटर डाल देंगे, नमक अपने स्वाद अनुसार डालेंगे। मटर को पकने तक हम इसको अच्छा से भूनेंगे। मटर यहाँ पर हमारा लगभग पक चुका है, तो इसके बाद हम इसमें उबला हुआ आलू डालेंगे। आलू डालकर हम इसको 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। अब हम इसमें गर्म पानी डालेंगे, गर्म पानी डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। पानी हम अपने अनुसार ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। इस सब्ज़ी में पानी ज़्यादा डालना अच्छा रहता है, क्योंकि बाद में यह सब्ज़ी जम जाती है। और यहाँ पर हम नमक भी टेस्ट कर लेंगे, अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा नमक और मिला देंगे। अब इसको मीडियम आंच करके ढक देंगे और ढक कर 5 मिनट पकाएंगे। अब लास्ट में हम इसमें कूटा हुआ गर्म मसाला और घी मिलाएंगे और गैस ऑफ कर देंगे। तो तैयार है हमारा बिहारी स्टाइल मटर का निमोना। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।